हसन वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े का क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, आइए देखते हैं। मान लो कमीज का कपड़ा के कपड़े की लंबाई 3:2 क्योंकि कमीज और पतलून के कपड़े का अनुपात 3:2 है, तो इसको मान लेते हैं हम 3x मीटर और पतलून के कपड़े की लंबाई 2x मीटर। ठीक है बच्चों, अब कमीज के कपड़े की कीमत का मूल्य देखो, 3x उसने 3x मीटर कपड़ा खरीदा और 1 मीटर कपड़ा है कमीज का 50 रुपए प्रति मीटर, तो ये 50 × 3 आ गया 150, साथ में है x, इतने रुपए। इसी प्रकार से पतलून के कपड़े का मूल्य बराबर पतलून का कपड़ा उसने लिया 2x और कपड़े का जो मूल्य है वो है 90 रुपए, तो 90 दुनी हो गया 180x रुपए। ठीक है जी, अब कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य कितना होगा। 150x में तो उसने खरीदा प्लस कमीज के कपड़े पर उसको 12% लाभ हुआ, यानी 12% किसका, 150x का। ठीक है जी, इसे जब हम हल करेंगे तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं और ये 10 से ये 10 कट गई, उसके बाद 2 के पहाड़े में 2 6 12 2 5 10 5 के पहाड़े में ये कट गया 5 3 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, यहां है 150x प्लस यहां देखो ये कितना बन गया 6 और 3 6 × 3 18x, तो 150x और 18x हो गया 168x रुपए। ये हो गया कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। इसी प्रकार से हम निकालेंगे पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ध्यान से बच्चों समझना इसको, देखो पतलून के कपड़े का मूल्य कितना है 180x। ये तो इसने ये कपड़े का मूल्य है और इस पर उसने 10% मुनाफा भी कमाया, तो 10% मतलब बटा 100 किसका, 10% इसी मूल्य का 180x का। तो अब फिर से ध्यान से देखिएगा, 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया,
बाकी रह गया यहां से है 180x और वहां से बचा 18x। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 180 में 18x प्लस कर दिया तो आ गया 198x और रुपए। अब बच्चों आप ध्यान से समझना, उसने 150x में कपड़ा खरीदा, 12% मुनाफा कमाकर 168x में बेचा। पतलून का कपड़ा 180x में खरीदा, ये रहा, और 10% मुनाफा कमा के 198x में बेचा। अब उसने कहा, इन्होंने कहा है कि ये 168x में कमीज का कपड़ा बेचा, 198x में पैंट का कपड़ा बेचा, पतलून का कपड़ा बेचा, और ये बेचकर उसने कितने रुपए प्राप्त किए, ये देखिए 36,600 रुपए प्राप्त किए। यानी 168x प्लस 198x ये बराबर है 36,600 के। ठीक है बच्चों, तो 168 में जब 198 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 366x बराबर 36,600। x आ गया 36,600, 366 इधर गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग, और 366 को जब 36,600 से काटोगे तो ये 366 एकम 366 साथ में 20, यानी x का मान आ गया 100। x का मान कितना आ गया 100। अब हमें बोला क्या क्या है, उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पतलून का कपड़ा या पतलून के कपड़े की लंबाई। शर्ट का हमें पूछा नहीं, इसलिए हम ये कमीज के कपड़े की लंबाई हम देखेंगे ही नहीं, पतलून के कपड़े की लंबाई पूछी है। वो किसके बराबर है, देखो 2x के बराबर, ये देख रहे हैं जहां मेरा पेन चल रहा है, 2x के बराबर, 2x मीटर। 2x का मतलब 2 गुना x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 100, 2 गुना 100 मीटर, इसका मतलब 200 मीटर। ठीक है बच्चों, पैंट के कपड़े की लंबाई कितनी आ गई, 200, पतलून के कपड़े की लंबाई है 200 मीटर, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। दोबारा समझा रहा हूं एक बार, कमीज के कपड़े की लंबाई, क्योंकि हमें बताया था प्रत्येक 3 मीटर कमीज के लिए 2 मीटर पैंट खरीदता है, इसका मतलब कमीज और पतलून की आपस में लंबाई जो है वो 3:2 है। तो मान लिया हमने कमीज के कपड़े की लंबाई 3x, पतलून के कपड़े की लंबाई 2x मीटर। कमीज का कपड़ा 50 रुपए मीटर था, 3x कपड़ा खरीदा तो 150x का हो गया। पैंट का कपड़ा 90 रुपए मीटर था, 2x मीटर लंबा खरीदा तो 2x गुना 90 180x रुपए पैंट के कपड़े की कीमत हो गई। कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य, वो कैसे निकाला, 150x में तो खरीदा, 150x में तो खरीदा प्लस इस पे लाभ भी कमाया, तो 12% 12/100 गुना 150x, इसे हमने हल किया तो ये हमारे पास आ गया 168x। पतलून, ये चार तलून नहीं है, पतलून है, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य 180x में खरीदा, 10% मुनाफे पर ये सॉल्व करके आ गया 180x प्लस 18x यानी 198x। तो इतने में कमीज का कपड़ा बेचा, इतने में पैंट का कपड़ा बेचा, दोनों को प्लस कर दो तो टोटल उसने 36,600 रुपए उसको मिले। इन दोनों को प्लस किया, 366 उधर कट गया 100, यानी x की वैल्यू आ गई 100। तो पतलून के कपड़े की लंबाई थी 2x, तो 2 गुना x यानी 2 गुना 100 बराबर 200 मीटर। बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ आया, ये क्वेश्चन आपको समझ आया, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लाइक करते हैं तो उससे हमें और ज्यादा मेहनत से वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।